तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो को नहीं बना पाया। लेकिन आज की वीडियो पहले की वीडियो की तरह आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ जो आप लोगों ने कमेंट के तौर पर मुझे भेजे हैं, और उनको मैंने कंपाइल किया है और मैंने ये पाया कि वो सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ लिंक हैं। तो मैंने उसकी एक कंपाइल्ड एक पूरी वीडियो बनाने का सोचा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैंने एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और सारे टॉपिक की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टॉपिक के हिसाब से उस टाइमलाइन को क्लिक कर लें और जो टॉपिक आपको अच्छा लगे आप उसे देख सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। कि जो वेब डेवलपमेंट के अंदर जो लोग हैं जो इस करियर को परस्यू कर रहे हैं, और या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो इसे करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। या फिर अगर आप कोई ब्लॉग बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, आज की वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ काफ़ी टॉपिक्स को। जैसे कि आप फ्री में वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं, फ्री में कौन सी वेब होस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप बिना डोमेन लिए भी वेबसाइट को शुरू कर सकते हैं, कैसे आप अपना फ्री का पर्सनलाइज्ड ब्लॉग तैयार कर सकते हैं और उससे एडसेंस का पैसा कमा सकते हैं। आपके साथ जब हम इस फील्ड को परस्यू कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है कि हमें हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जैसे कि हमें हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं, फिर हमारी आई स्ट्रेनिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के अंदर। आज की वीडियो की पहली सेगमेंट है हमारी हाउ टू क्रिएट वेबसाइट फॉर फ्री, कैसे हम अपनी वेबसाइट एकदम फ्री में बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा यही है कि अगर आप वेबसाइट फ्री में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वेब होस्टिंग की। तो वेब होस्टिंग हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए जिस जो कि बिल्कुल फ्री हो। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना है, साइट का नाम है GOOGIEHOST। तो यहाँ पे आपको इस साइट को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री वेब होस्टिंग लाइक नेवर बिफोर, और इसके अंदर आपको अच्छी बात यह है कि आपको SSD स्टोरेज मिल जाती है, एक फ्री में सब डोमेन मिल जाता है, प्रीमियम साइट पैड वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है, SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है। SSL सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए मैं बता दूं जिनको नहीं पता, जैसे कि यहाँ पे एक लॉक लगा आता है और यहाँ पे लिखा आता होता है सिक्योर, और उसके लिए वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है क्योंकि वो भी एक पेड सर्विस होती है। और साथ के साथ आपको यहाँ पे अगर आप इसका फ्री प्लान भी यूज़ करेंगे तब भी आपकी साइट के ऊपर कोई भी एड नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे बस स्टार्ट फॉर फ्री करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो प्लान्स हैं, एक है पेड होस्टिंग और यहाँ पे एक है फ्री वेब होस्टिंग। आपको अगर आप पेड वाला यूज़ करना चाहते हैं, आप पेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। लेकिन अगर आप फ्री वाला यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कि आज का टॉपिक हमारा फ्री के अंडर है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार फ्री को ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर आप एक सिंगल वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, 1000 MB तक SSD स्टोरेज आप यूज़ कर सकते हैं, SSL सर्टिफिकेट, 100 GB बैंडविड्थ आपको मिलती है, डायरेक्ट एडमिन पैनल, 2 बिजनेस ईमेल मिलती हैं, 2 FTP अकाउंट्स, क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन और 99% अप टाइम का आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो बस आपको यहाँ पे गेट फॉर फ्री करना है। और यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शंस मिलेंगी, आपको यहाँ पे इसे डायरेक्टली यहाँ पे आपको इसे वाइजली चूज़ करना है। अगर आपने ऑलरेडी कोई डोमेन नेम बाय किया हुआ है उसके अंदर भी आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आपको उसको इसके अंदर कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन अगर आपने कोई भी डोमेन बाय नहीं किया हुआ है, आप बिल्कुल फ्री में एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं या एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये लास्ट ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर लिखा है यूज़ सब डोमेन फ्रॉम गूगल होस्ट, तो आपको यहाँ पे सब डोमेन में जाना है और यहाँ पे आपको जो भी आपका आप नाम रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं रख लेता हूँ एग्जांपल के लिए गुड पॉइंटर्स, और यहाँ पे आपको फिर सब डोमेन यहाँ पे दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कॉम या वैसी चीज़ नहीं मिलेगी। बता दूँ जो सब डोमेन होता है वो फ्री होता है, उसका मतलब ये होता है कि उसके पीछे आपको इस तरह से कुछ आपको टॉप लेवल डोमेन अथॉरिटीज़ मिलती हैं, डिफरेंट मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे ये आपका सब डोमेन है। तो आपको यहाँ पे इसको दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लें जो आपको पसंद है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया।
और यहाँ पे मैं इसे करूँगा चेक। तो इस तरह से ऑलरेडी इसे वैसे मैंने पहले यूज़ कर रखा है, तो आप इस तरह से दूसरी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अपने नाम को बदल सकते हैं, आप यहाँ पे कोई और नाम रख सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप जब भी नाम रखें तो आप कभी भी न्यूमेरिक वर्ड का इस्तेमाल ना करें, आप हमेशा अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल रखें, स्पेशल करेक्टर्स और न्यूमेरिक्स से आपको यहाँ पर बचना है। तो इसे आप करेंगे चेक। तो चेक करने के बाद यहाँ पे आपको चेकआउट के पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देता है, और कुछ चीज़ें आपको ये और फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट, आप इसे यहाँ पे टिक करें, वेबसाइट बिल्डर फ्री में, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। और जो चीज़ें फ्री में मिलती हैं तो बस वहाँ पर आपको टूट पड़ना चाहिए, आपको सारी चीज़ें ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर करना है इसे कॉन्टिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सारे प्राइसेस हैं वो 0000 हैं, और बस आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, जैसे कि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट लॉगिन है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना, और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है आपको एकदम सही इंफॉर्मेशन डालनी है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फेक नहीं डालनी। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन को फिर फिल आउट करने के बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है ऑप्शन, आपने क्योंकि पे तो करना नहीं, लेकिन आपको फिर भी कोई ना एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करनी ज़रूरी है, तो आप उसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड सर्विस को यहाँ पे टिक करेंगे, और यहाँ पे करेंगे कम्प्लीट ऑर्डर। जैसे आप कम्प्लीट ऑर्डर करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और साथ के साथ आपका यहाँ पे सारी स्टेप्स को, और साथ के साथ सारे स्टेप्स यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद आपको एक मेल आएगी, वेरिफिकेशन की मेल आएगी आपकी उस ईमेल आईडी के ऊपर जो आपने यहाँ पे फिल आउट कर रखी होगी। ये ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, अगर आप ईमेल आईडी गलत भरोगे तो आपको इसका मतलब आप वो वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे, और आगे जाके ये आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना क्या होगा, अपनी ईमेल आईडी के अंदर जाना है, और वहाँ पर आपको एक मेल आई है, आप उसे चेक करेंगे, और उसके अंदर एक लिंक होगा, वेरीफाई का लिंक होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको थोड़ा टाइम वेट करनी है, आपको यहाँ पे सर्विसेज में आना है, जैसे कि मैं यहाँ पे माई सर्विसेज में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक सबडोमेन मैंने यहाँ पे एनेबल कर रखा है इसके अंदर, फ्री होस्टिंग के अंदर, और इस सब डोमेन के अंदर ना तो मैंने डोमेन को परचेज किया है और ना ही मैंने होस्टिंग को परचेज किया है, जस्ट जो फ्री का सिस्टम मैंने यहाँ पे सारा वो कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो फ्रेंड जैसे ही आप सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपका हो सकता है कि इनएक्टिव या पेंडिंग स्टेटस शो करे और रेड में शो करेगा, उसका मतलब ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है वेरिफिकेशन होने के, 24 घंटे के अंदर अंदर ये आपका एक्टिवेट हो जाता है, और कुछ केसेस में ये 48 घंटे भी ले लेते हैं। आपको वेट कर लेनी है, और उसके बाद वेट करने के बाद 2 दिन के बाद या आपकी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद फ्रेंड्स हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसके अंदर मैंने आपको ये भी बताना है कि कैसे आप फ्री के अंदर, फ्री डोमेन और फ्री सब डोमेन को यूज़ करके अगर वेबसाइट, अपना ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है मैनेज प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स काफ़ी यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलती हैं, तो आपको जाना है एप्लीकेशंस के अंदर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगी, इस तरह से फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, आपको इंस्टॉल न्यू पे जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलती हैं कि आप कौन सा इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं। फिर आप एक वेबसाइट बना सकेंगे, तो आपको ब्लॉग्स में जाना है, और यहाँ पे आपको वर्डप्रेस की ऑप्शन मिलती है, यहाँ पर बहुत सारी वर्जन हैं, मैं 6.0.1 जो लेटेस्ट वर्जन है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डोमेन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टरी है,
डायरेक्टरी में हमें कुछ नहीं मेंशन करना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई फोल्डर बना लेंगे तो फिर आपकी जो वेबसाइट है वो किसी फोल्डर के अंदर जाके ओपन होगी, और इसके अंदर आपको यहाँ पे इसे छोड़ देना है खाली, और यहाँ पे आपको डेटाबेस का अपना नाम देना है, जो कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर रख लेता हूँ, गुड पॉइंटर्स और रख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोटोकॉल सेट करूँगा। प्रोटोकॉल के अंदर फ्रेंड्स आपको ये चेक करना है कि जो आपका डोमेन है वो HTTP है या HTTPS है। तो जैसे आप प्रोटोकॉल को अप्लाई कर लेते सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा सब डोमेन है वो SSL के साथ इंटीग्रेट है, यहाँ पे ग्रीन लॉक लगा आ रहा है और ये साइट एकदम सिक्योर है। ये भी हमारा अगला टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री के अंदर कैसे SSL सर्टिफिकेट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि होस्टिंग के अंदर तो हमें प्रोवाइड हुआ है लेकिन वो एनेबल नहीं होता बाय डिफॉल्ट, उसको एनेबल करना पड़ता है। और वो कैसे एनेबल होगा, जो कि मैंने यहाँ पे एनेबल कर रखा है, तो उसको मैं अगले टॉपिक में कवर करूँगा। तो उसके लिए ये हमारा इसका मतलब ये है हमारा बेस एड्रेस, तो इसको हमें यहाँ पे फुलफिल करना है। यहाँ पे हमें HTTPS और उसके बाद www स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस तरह से URL को यहाँ पे सेट कर रखा है। तो ये हमारी प्रोटोकॉल होगी, इसको आपको सेट करना है। अगर आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे HTTP आ रहा है, आपका सिक्योर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको HTTP सिलेक्ट करना है। अगर आपका HTTP कैसा है, www भी आ रहा है, तो आप HTTP www को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मेरे केस में ये वाला आ रहा है, तो मैं इसे https://, और उसके बाद www. तक इसे सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो डेटाबेस का आपका नाम है उसके आगे मैं WP प्रीफिक्स कर दूं, तो आप इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने दें। उसके बाद साइट नेम आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, माई ब्लॉग ही रहने देते हैं। और उसके बाद साइट डिस्क्रिप्शन भी आप आगे जाके चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे मल्टी साइट की ऑप्शन बंद है, आपको इसे बंद ही रखना है। और उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शंस भी आ रही हैं, उसे भी आपको बंद ही रहने देना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे इंस्टॉल कर दें, थोड़ा सा टाइम ये लेगी, तो आपको वेट करनी है, आपको इस पेज को स्किप या बंद नहीं करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एरर आया मुझे, यहाँ पे वो कह रहा है डेटाबेस नेम कैनॉट बी ग्रेटर देन 7 कैरेक्टर्स, कि जो आपका डेटाबेस का नाम है वो 7 कैरेक्टर्स से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं रख देता हूँ, और इसे फिर से ट्राई करेंगे इंस्टॉल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसने इंस्टॉलेशन को पूरा कर दिया है, यहाँ पे ऑप्शन आ गई है द एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे अब इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के अंदर आपका यहाँ पे वर्डप्रेस इसने इंस्टॉल कर दिया है। अब वर्डप्रेस क्यों हम प्रेफर करते हैं वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि वर्डप्रेस एक हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, CMS सिस्टम है, और इसके अंदर आपको सिर्फ डेटा बनाने की ज़रूरत होती है, डेटा मैनेज करने की ज़रूरत होती है, और जो आपके डिज़ाइनिंग होती है या फिर जो और चीज़ें होती हैं वो आपकी ऑलरेडी इसके अंदर क्रिएट होती है, आपको कोडिंग करने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद आप जिन लोगों को कोडिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं है वो भी इसके अंदर ईजिली अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को बना सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना, ये लॉगिन आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से लॉगिन हो चुकी है, ये आपका बैक पैनल वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को पीछे से कंट्रोल करते हैं। वेबसाइट जैसे कि अगर अमेज़ॉन की बात करें या किसी और भी वेबसाइट्स की बात करें, इन उसके अंदर जो भी डेटा मैनेज होता है वो सारा बैक पैनल से ही मैनेज होता है। तो ये उस साइट का हमारी साइट का एक बैक पैनल है, तो बैक पैनल ये बैक पैनल और फ्रंट पैनल जिसके अंदर वेबसाइट हमारी ओपन होगी वो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, तो जिस वजह से यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स थीम्स को काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे इंस्टॉल करना है,
इंस्टॉल करने के बाद ही आपका यहाँ पे वर्डप्रेस का वो थीम अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करना है या फिर वर्डप्रेस के अंदर ये सारी ऑप्शंस का क्या क्या काम होता है तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए और वो वीडियो अपने आप में काफ़ी लंबी वीडियो होगी, तो वो मैं उस वीडियो के अंदर कवर कर सकता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये मैं कवर करूँ तो मैं इसे भी ज़रूर कवर करूँगा। तो क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसकी डिटेल में ही जाऊँगा तो बाकी टॉपिक्स हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो बस अगर आपको वर्डप्रेस की ऑलरेडी नॉलेज है, आपको पता है कि कैसे इसे यूज़ करना है, बस आपको एक एक किक स्टार्ट चाहिए कि कैसे एक फ्री होस्टिंग के अंदर इसको इंटीग्रेट करना है, तो वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर अब तक कवर कर लिया है। तो बस आपको यहाँ से जो भी आपको थीम अच्छा लगे आपको उसको एक्टिवेट कर लेना है, और उसके बाद उस साइट को आपको इस तरह से विजिट कर लेना है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी साइट वहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर SSL इंटीग्रेट कैसे करें। SSL इंटीग्रेशन का मतलब है कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर नॉट सिक्योर आ रहा है, जो कि अगर हम क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे अक्सर एक रेड कलर का निशान आता है नॉट सिक्योर का, उसका मतलब होता है कि हमारी साइट सिक्योर नहीं है, कोई भी हैकर आके हमारा डेटा रीड कर सकता है। तो आजकल मैंडेटरी है कि आप यहाँ पे ग्रीन लॉक लगवाएं, तो उसका मतलब है कि आपने अपनी साइट के ऊपर SSL इंटीग्रेट करवाया हुआ है। तो अब अगला टॉपिक हमारा आज का अभी का यही है कि कैसे हम SSL इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप सबडोमेन भी चला रहे हैं तब भी आपको SSL इंटीग्रेट करना चाहिए। तो मैं सबडोमेन के ऊपर ही SSL इंटीग्रेट करके बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स अपने यहाँ पे माई प्रोडक्शन सर्विसेज में जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैनेज प्रोडक्ट में दोबारा से जाना है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी एडवांस फीचर्स के अंदर SSL सर्टिफिकेट्स, तो आपको यहाँ पे जाना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे की हुई है, तो यहाँ पे दोबारा से तो ये नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपको वहाँ तक सारे स्टेप्स एक बार ही दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे लेट्स इनक्रिप्ट वाले आइकन पे जाना है, क्लिक करना है इस पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब डोमेन की ऑप्शन है, यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका ये वाइल्ड कार्ड वाली ऑप्शन है इसे आपको डिसेबल ही रखना है। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को आपको फिलअप कर देना है, और यहाँ पे जो साइज़ है वो आपको 2048 बिट्स सिलेक्ट कर लेना है, और इनक्रिप्शन आपको SHA 256 वाली सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद आप इसे करेंगे इनक्रिप्ट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद ये आपका यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट इस तरह से इनेबल हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे एक आपका रिकॉर्ड आ जाएगा और वो आपका यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट को इंटीग्रेट, इसका मतलब इसने कर लिया है। तो आपको बस फ्रेंड्स इतना ही स्टेप करना है, और उसके बाद आपका जो SSL है यहाँ पे लग जाता है, और तो उसके बाद जो आपका अब से लिंक हो जाएगा वो आपका सबडोमेन के आगे आपका HTTPS हमेशा लगाएगा। अगर आप अपना इसके अंदर फ्री होस्टिंग के अंदर अपना डोमेन अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपका जो स्टेप है वो सेम रहेगा। ये जो मैंने आपको स्टेप बताए ये सब डोमेन के अंदर बताए हैं, लेकिन अगर आप अपना डोमेन अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर तब भी यही स्टेप्स आपके रहेंगे। बस आपको वहाँ पर अपने सब डोमेन की जगह अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर अभी मैंने आपको बताया है, बाकी सारी ऑप्शन आपको वैसे ही सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद आपके उस डोमेन के ऊपर भी जो सर्टिफिकेट है वो आपका फ्री में SSL का इंटीग्रेट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि SSL के फायदे क्या हैं। SSL थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे गूगल में बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। जब हम कोई भी साइट को ओपन करते हैं तो जो यूजर साइट को ओपन करता है वो क्लाइंट होता है, और जिस सर्वर की हम साइट ओपन करते हैं वो एक सर्वर होता है। तो उसके बिटवीन जो भी रिस्पांस और रिक्वेस्ट आती जाती हैं तो उसका डेटा बीच में जो भी हैकर्स हैं वो रीड ना कर लें, जैसे कि बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन होती है या फिर आपकी कोई भी पासवर्ड या आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो हैकर्स आपकी फैच ना कर लें, उस वजह से वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहे। तो उसी तरह से आपकी यहाँ पे आपको SSL आपको यही
सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहती है, अदरवाइज वो अनइनक्रिप्टेड रहती है, जिससे कोई भी आपका डेटा जैसे भी मर्जी पढ़ सकता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर मैं थोड़ा सा दूसरे जैसे और साइट्स हैं उसके अंदर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अगर आप SSL आपको परचेज करना हो ना तो आपको ये आपको देखो इतना देना पड़ता है। तो ये इस तरह से ये सर्विसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती हैं। तो SSL काफ़ी ज़रूरी है अगर आप गूगल के अंदर SEO करना चाहते हैं अपनी साइट के, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक करे, तो आपको उसके लिए भी SSL को लगाना ज़रूरी होता है। और एक बात और मैं फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ आप आज से एक वेबसाइट बना लेंगे, सब डोमेन को यूज़ कर लेंगे और इसी साइट को यूज़ करके होस्टिंग भी आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर SEO करके आप एडसेंस के थ्रू ब्लॉग अपना एक या वेबसाइट के अंदर आप अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो SEO होती है या जो रैंकिंग है गूगल की, वो कभी भी सब डोमेन के ऊपर नहीं हो सकती। दोस्तों सब डोमेन सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होता है, या फिर अगर आप अपनी वेबसाइट को कोई और आगे कोई आप अपनी शॉप या उसके आगे कोई और चीज़ें खोलना चाहते हैं मेन डोमेन के साथ, आप उसी का सब डोमेन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से कोई भी सब डोमेन परचेज करेंगे या फिर फ्री में लेंगे तो उसका आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी आपको रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और उसके लिए अगर आप प्रोफेशनल तौर पे किसी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं तो रेकमेंडेशन मेरी यही रहेगी कि आप अपना एक डोमेन बाय करें, परचेज करें और उसको इस होस्टिंग के साथ आप लगा सकते हैं। होस्टिंग का रैंकिंग के साथ कोई इशू नहीं होता, होस्टिंग आप चाहे पेड वाली या फ्री वाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेन इशू आता है वो आपका डोमेन का आता है। आपका डोमेन अगर आप SEO करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी साइट रैंक करे, तो आपको एक बढ़िया सा एक डोमेन चाहिए। डोमेन भी फ्री वाले आते हैं लेकिन आपको वो कभी अप्लाई नहीं करने, प्रोफेशनल के तौर पे आपको हमेशा, अगर आप प्रोफेशनल लेवल के अंदर एक वेबसाइट को चलाना चाहते हैं तो आपको हमेशा सब डोमेन अवॉइड करने चाहिए और डोमेन आपको परचेज करके ही इंटीग्रेट करने चाहिए। और होस्टिंग आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्री वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये SSL का भी टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आप अपना अपने डोमेन परचेज कर रखा है तो, और लेकिन आप गूगल होस्ट की फ्री होस्टिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कैसे एक पेड डोमेन को इस फ्री होस्टिंग के साथ इंटीग्रेट करना है, तो अगला टॉपिक हमारा यही है। तो उसके अंदर आपको फ्रेंड्स आपको इसी साइट के अंदर दोबारा आना है और यहाँ पर आपको स्टार्ट फॉर फ्री पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे गेट फॉर फ्री पे जाना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिर से वही चार ऑप्शंस आपको मिलेंगी, तो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन पे जाना है, आई विल यूज़ माय एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माय नेम सर्वर्स। तो आपको यहाँ पे अपना वो डोमेन डालना है जो डोमेन आपने परचेज कर रखा है। तो आपको यहाँ पे जो भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने इस तरह से डोमेन डाल दिया फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे .com ले रखा है तो आप यहाँ पे com लिखेंगे, डॉट आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ com लगाएंगे। और अगर in ले रखा है तो in, अगर आपने co.in ले रखा है तो उस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट फ्रेंड्स इनपुट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे यूज़ पे जाना है। यूज़ पे जाने के बाद फ्रेंड्स वही स्टेप्स हैं जो हमने पहले सब डोमेन के दौरान यहाँ पे अप्लाई किए थे। तो आपको ये सारी तीन फ्री वाली चीज़ों को कर लेना है सिलेक्ट और उसके बाद आपको जाना है कंटिन्यू के ऊपर और यहाँ पे अगेन आपको चेकआउट पे ले जाएगा ये। तो चेकआउट के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे दोबारा से आपको ये सारी डिटेल्स को भर देना है, अगर आप इस स्टेप को दोबारा से कर रहे हैं तो आपको ये सारी डिटेल्स दोबारा से भरने के बाद आप यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपको एक मेल आएगी आपकी ईमेल आईडी के ऊपर जो भी आपने यहाँ पे डाली। और फ्रेंड्स दोबारा से मैं आपको बता दूं कि आपको जहाँ पे, तो और फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप डिटेल्स डालेंगे वो एकदम सही होनी चाहिए, बिल्कुल भी फेक डिटेल्स आप यहाँ पे इनपुट ना करें। तो यहाँ पे आपको एक मेल आएगी आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, आपको उसके ऊपर वेरिफिकेशन करनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आप फिर 24 से 48 घंटे आपको वेट करनी है और आपको उसी तरह सर्विसेज के अंदर जाके अगर आपका अकाउंट पेंडिंग शो कर रहा है तो आपको वेट करनी है।
और अगर आपने 24 घंटे के अंदर उस लिंक को वेरीफाई नहीं किया तो वैसे ही आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, और सस्पेंड होने के बाद आपको दोबारा से सारे स्टेप्स को दोबारा से करना पड़ेगा। और फिर फ्रेंड्स, आप उस पेड डोमेन के अंदर आप दोबारा से वेबसाइट को अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल करके बना सकते हैं, या फिर कोर के अंदर भी आप बना सकते हैं, जैसे भी आप जिस भी टेक्नोलॉजी के अंदर आप वेबसाइट को बनाना चाहते हैं उसके अंदर आप बनाएं। और उसके बाद आप फ्रेंड्स उसकी SEO भी कर सकते हैं, और आगे उसकी गूगल रैंकिंग के अंदर भी आप उसे प्रमोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है डोमेन नेम सर्वर की, डोमेन्स को कैसे कन्फिगर करना है, तो उनको ये वाला पॉइंट समझ आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डोमेन और होस्टिंग को मैप कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आप डोमेन कहीं और से परचेज करते हैं और होस्टिंग आप कहीं और से यूज कर रहे हैं, चाहे वो फ्री है चाहे वो पेड वाली है, तो वो कभी भी अलग अलग जगह की चीजें कभी भी वर्क नहीं करेंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप डोमेन परचेज कर रहे हैं किसी और होस्टिंग कंपनी से और होस्टिंग परचेज कर रहे हैं किसी और कंपनी से, या फिर आप फ्री वाली भी यूज कर रहे हैं, तो आपका डोमेन कभी भी नहीं चलेगा। उसके लिए आपको उसको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैं मेन मेन सेटिंग्स बता दूंगा। आपको इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन मैपिंग कैसे करते हैं, एक डोमेन और होस्टिंग को कैसे जोड़ते हैं। ये भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा और डेमोंस्ट्रेट करके आपको दिखा दूंगा कैसे एक डोमेन और होस्टिंग को आप जोड़ सकते हैं। तो जो लोग डोमेन नेम सर्वर के बारे में जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना होता है। आपको अपने डोमेन अकाउंट के अंदर जाना है, उसको लॉग इन कर लेना है, और वहां पे आपको कुछ DNS या नेम सर्वर जैसी ऑप्शंस मिलती हैं, या NS करके, NS का मतलब होता है नेम सर्वर, या फिर DNS की ऑप्शन मिलती है, DNS सेटिंग्स मिलती हैं, आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वहां पे दो ऑप्शंस आएंगी, एक आएगा कस्टम नेम सर्वर और एक आएगा डिफॉल्ट नेम सर्वर। बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट के ऊपर सेट होगा, तो आपको उसको कस्टम पे सेट कर देना है और पुराने आपको रिमूव कर देने हैं। और उसके बाद आपको होस्टिंग अकाउंट के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको पता लगेगा कि होस्टिंग के कुछ नेम सर्वर्स प्रोवाइड होते हैं। कई होस्टिंग कंपनीज 2 प्रोवाइड करती हैं और कई होस्टिंग कंपनीज 4 प्रोवाइड करती हैं, लेकिन मिनिमम 2 होते हैं। आपको वहाँ से एक एक कॉपी करना है, और अगर वो 4 हैं तो आपको डोमेन नेम सर्वर सेटिंग्स के अंदर जाके होस्टिंग के सारे नेम सर्वर वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देने हैं। और उसके बाद इस कंसेप्ट को DNS प्रेपोगेशन बोलते हैं, और ये 24 से 48 घंटे का टाइम लेता है। इन कुछ कुछ सिचुएशन के अंदर ये जल्दी भी हो जाता है, आधे घंटे के अंदर भी हो जाता है, तो आपको वेट करनी है। मैक्सिमम टाइम इसका 48 आवर्स है। अगर 48 आवर्स के बाद भी आपका डोमेन नहीं चलता, या फिर उसके ऊपर आता है कि DNS कॉन्फ़िगरेशन एरर, ऐसे कोई एरर स्क्रीन के ऊपर आते हैं, तो इसका मतलब आपने DNS को अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर नहीं किया। फिर चाहे 48 घंटे हों चाहे 72 घंटे हों, वो आपका डोमेन नहीं चलेगा। तो ये स्टेप्स आपको दोबारा दोहराने होंगे। वैसे तो इसके ऊपर YouTube के ऊपर काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल्ड वीडियो के अंदर एक एक स्टेप करके दिखाऊं, समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसके ऊपर भी एक पूरी की पूरी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे ये भी हमारा यहाँ पे टॉपिक होता है एंड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप अपने मोबाइल कैमरा को एज अ वेबकैम यूज़ करना चाहते हैं, और अपने अपने मोबाइल कैमरा को एज अ वेबकैम यूज़ करना चाहते हैं, वो भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए, अगर आपके पास कोई अच्छी क्वालिटी का वेबकैम नहीं भी है ना, तो भी आप अपने मोबाइल को एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स क्या करना होगा, आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है Dave47 एप्स। तो इस साइट को ओपन करेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक, अगर आप विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड विंडोज़ क्लाइंट करना है, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको जैसे कि मैं विंडोज़ लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसे डाउनलोड कर लूँगा, और ये ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड है, तो मैं इसे क्लिक करूँगा और इंस्टॉल कर लूँगा। ये मेरे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसे मैं डाउनलोड दोबारा नहीं करूँगा। आप इसे डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप इसे करेंगे इंस्टॉल, जैसे कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है नेक्स्ट नेक्स्ट करके, वैसे ही आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक और ऐप इंस्टॉल करनी है, वो अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करनी है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी भी इसी सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर रखा है। तो आप यहाँ पे आपको इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक बार इसे स्टॉप करके दिखाता हूँ, मैंने इसे स्टॉप कर दिया, पूरा क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक डिवाइस आईपी और ड्रॉइड कैम पोर्ट दिखता है। तो आप जो एक ऐप आपने मोबाइल के अंदर एक ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, जो भी अभी मैंने आपको बताई है ड्रॉइड कैम, तो इसे इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर आपको कुछ इस तरह से आईपी डिवाइस आईपी और ड्रॉइड कैम पोर्ट दिखाई देंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल को और आपके जो लैपटॉप को एक ही वाईफाई नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करना है, ये एक मैंडेटरी ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस आती हैं, एक है वाईफाई ऑप्शन, एक है आपकी यूएसबी ऑप्शन और एक है आपकी वाईफाई नेटवर्क ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वाईफाई लैन का। तो उसके लिए आपका ये लैपटॉप या कंप्यूटर वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए और उसी तरह जो आपकी मोबाइल के अंदर ऐप है वो भी आपको उसी नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करनी है, उसी वाईफाई के साथ आपको कनेक्ट करनी है। जब दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएं तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको मोबाइल के अंदर वो वाली ऐप ओपन करनी है और उसके अंदर आपको डिवाइस आईपी शो करता है। जैसे कि वहाँ पे मुझे जो शो कर रहा है मैं वहाँ पे इसे जैसे डाल के यहाँ पे पोर्ट को इनपुट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही स्टार्ट की, मैं इसे करूँगा स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी स्टार्ट हो गया और ये वाईफाई के थ्रू इंटीग्रेट हो चुका है। और यहाँ पे इसे मैं म्यूट भी कर सकता हूँ और दोबारा से क्लिक करूँगा तो ऑप्शन आ जाती है। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स भी हैं जिसके अंदर आप जूम जूम आउट जूम इन, यहाँ पे ब्राइटनेस कम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आपका मिरर ऑप्शन है, रोटेट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी ऑप्शंस आपको प्रो फीचर्स के अंदर मिल जाती हैं और ये हम इस टाइम फ्री वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यूज़ नहीं कर सकते। परचेज़ करने के बाद इस ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो पिक्चर मेरी यहाँ पर आ रही है वही मेरे मोबाइल के अंदर भी आ रही है। तो आप इसे इसके बाद स्काइप के ऊपर या फिर आप यहाँ पे जैसे अगर इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर जाएं तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप इसे जूम के साथ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स स्काइप के साथ यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे OBS स्टूडियो के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और उससे आपका क्या, आपकी एक तो मोबाइल की जो क्लैरिटी होती है कैमरे की वो काफ़ी आपको अच्छी मिलेगी और साथ के साथ आपका जो वेबकैम है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, अपने मोबाइल को एज एन वेबकैम यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। और अगर आप प्रो फीचर्स का पैकेज लेते हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप स्विच टू HD मोड फॉर एयर को रेजोल्यूशन, आपको दोनों हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन यहाँ पे मिल जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया कि आप कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, ऑटो फोकस कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप मिरर द वीडियो टू बेटर मैच योर सेटअप, एडजस्ट ब्राइटनेस कंट्रास्ट वीडियो डिले, एडजस्ट ऑडियो वॉल्यूम सेटिंग्स, और इस तरह से आप बहुत सारी ऑप्शंस को एनेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल वर्जन ही है, फ्री वाली वर्जन नहीं हुई है, तब भी आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। तो आप इससे वीडियो कॉल्स या और भी काफ़ी चीज़ों के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी इसे कन्फिगर करें। अगर आपको किसी स्टेप के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। तो इस टॉपिक का भी यहाँ पे होता है एंड और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे आप इमेज को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर बार होता है कि हम किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट लेते हैं मोबाइल के अंदर या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, लेकिन उसके बाद कभी हमें उसके लिखे हुए टेक्स्ट की जरूरत पड़ जाती है और हम उसे कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि इमेज के अंदर जो भी चीज़ होती है उसे हम कॉपी नहीं कर सकते या सेलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इमेज के अंदर का जो टेक्स्ट होता है, जो एक इमेज फॉर्मेट के अंदर होता है, उसे आप कैसे टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी आसान स्टेप्स के अंदर। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर एक्सटेंशन। अगर आप क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्रोम लिख लेंगे, अगर मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मोजिला फायरफॉक्स लिख लेंगे, और जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे एज लिखा है।
एज लिखने के बाद आप इसे एंटर करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दो तीन लिंक्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे इस कॉपी फिश वाले आइकन पे जाना है, कॉपी फिश के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक बार रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे कंप्यूटर के ऊपर और दोबारा से मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब अनइंस्टॉल कर दिया तो अब ये कह रहा है कि एक सर्वे फुलफिल करो जो कि मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे आप दोबारा से गेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे आपको जाना है तो उसके बाद फ्रेंड्स ये आपका इंस्टॉल्ड यहाँ पे हो चुका है। और आप अगर यहाँ पे इसे देखना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे शो करवाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो चुका है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप किसी भी साइट के ऊपर जाएं और यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे किसी साइट को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक किसी भी साइट को ओपन कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई वेबसाइट ओपन की है। वैसे तो वेबसाइट के ऊपर जो डेटा होता है ऑलरेडी टेक्स्ट होता है और आप उसे सिलेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप डेटा उठा सकते हैं। मैं पहले इसको आप समझ लें कि ये एक स्क्रीनशॉट है, तो आपको यहाँ पे इसे क्लिक करना है और इसका आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लें। इतने से टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसने कन्वर्ट करके टेक्स्ट को दे दिया। आप यहाँ से कॉपी करें, इसको यूज़ करें, जैसे मर्जी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स इमेज की बात करें तो इमेज जैसे अब ये एक फ़ोटो है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको सेव इमेज की ऑप्शन आ रही है। ये एक फ़ोटो है तो इस फोटो को भी आप यहाँ इसका भी टेक्स्ट उठा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इतना एरिया आप यहाँ पे कैप्चर कर लें, इसको सिलेक्ट करें। जैसे आप इसे चेंज करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ये लेगा, लेकिन इसने आपका ये सारा डेटा यहाँ से उठा लिया है। तो हो सकता है जो डेटा है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको प्रॉपरली सारा डेटा मिल जाएगा और आप उसे एडिट कर सकते हैं और जैसे मर्जी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी स्क्रीनशॉट को इसके अंदर डाल लें और उसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ग्रैब कर लें। जैसे ये मान के चलो ये एक फ़ोटो है, तो फोटो का भी इस तरह से आप टेक्स्ट उठा सकते हैं। देखो ये प्रॉपरली इसने कन्वर्ट कर लिया। अगर किसी और साइट की हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये साइट है, ये इनका एक आइकन है, ये एक इमेज है इनकी, इस तरह से आप देख सकते हैं इमेज है और आप इसका डेटा। वैसे तो आप फ्रेंड्स इस तरह से फ़ोटो का टेक्स्ट नहीं उठा सकते, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और इतना जो एरिया है उसको आप इस तरह से सिलेक्ट कर लें, ग्रैब कर लें और आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली फ़ोटो को भी कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद आप प्रॉपरली उसका सारा डेटा उठा सकते हैं, जैसे कि ये एक आई फ्रेम है तो आप इसका भी डेटा उठा सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारा कुछ प्रॉपरली जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो उसने उठा लिया है। हो सकता है कुछ स्पेलिंग आगे पीछे हो जाएँ, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई थी वो उसके स्पेलिंग्स थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं और आपका काफ़ी काम थोड़े ही टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारे यहाँ पे एंड होता है और बढ़ते हैं अगले टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल टॉपिक है उन लोगों के लिए जो वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, और जो नहीं करते वो भी इसे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन नॉलेज की बात है, आपको सुन लेनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो एग्जैम्प के बारे में अवेयर हैं, एग्जैम्प एक सॉफ्टवेयर है आपको पता ही है। एग्जैम्प के अंदर एग्जैम्प एक आपका सर्वर होता है, जो अगर आप ऑफलाइन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि जब आप इसे ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह से लोकल होस्ट ओपन करना होता है। आप लोकल होस्ट को ओपन करते हैं तो इस तरह से आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो भी आपके HCDocs फोल्डर में पड़े हैं तो वो सारे आपके इस तरह से यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन अगर ये तो सबको ही पता है जो इस लाइन के अंदर काम करते हैं, ये बात तो सबको ही पता है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं यहाँ पे अपना नाम डाल रहा हूँ, harjotsingh.com डाल रहा हूँ और इसे एंटर कर रहा हूँ,
तब ये ओपन हो रहा है। अब ये ओपन कैसे हो रहा है? तो ये चीज़ आपको चौंका देगी। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता वो उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो आपको अब एक एक स्टेप को अच्छी तरह से देखना होगा। उसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जाना होगा। तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आपको यही नाम रखना, आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपना नाम भी रख सकते हैं, इसी अपने ब्रांड का नाम रख सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे कॉम की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हैं। तो उससे भी आपका ये जो मेन्यू है यहाँ पे, ये जो लिस्ट है ये आपकी ओपन हो जाएगी। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना है स्टार्ट के अंदर और यहाँ पे आपको मिलेगा नोटपैड। अगर यहाँ पे आपको नोटपैड नहीं भी मिलता तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं नोटपैड। नोटपैड को टाइप करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसे करेंगे यस। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको करना है ओपन, और यहाँ पे आपको इस तरह से एक फाइल ओपन हो जाएगी ऑल फाइल्स में होस्ट। अब आप सोचोगे कि आप जब इसे ट्राई करोगे ना आपको इतनी आसानी से ये स्टेप आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो आप घबराइएगा मत, मैं आपको एक एक चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आपको सी ड्राइव के अंदर जाना है। सबसे पहले सी ड्राइव में जाना है, आप यहाँ से सी ड्राइव के अंदर जा सकते हैं। और उसके बाद आपको जाना है विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको जाना है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना है सिस्टम 32 के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा, एस को दबाते रहें सिस्टम 32। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी ड्राइवर्स, ड्राइवर्स का फोल्डर मिलेगा और उसके अंदर ETC का मिलेगा। ETC के अंदर आपको होस्ट फाइल मिलेगी, आपको इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है। इसके अंदर ये ओपन हो जाएगी और फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकता है कि आपका कुछ कोड लिखा हो, आपको उसको बिल्कुल भी यहाँ पे अफेक्ट नहीं करना। आपको सिर्फ करना क्या होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे इस तरह से, अगर यहाँ पे आपका कोई हैश करके कोई चीज़ लगी आप उसे हटा दें और उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करें 127.0.0.1 और स्पेस डालने के बाद आप अपना कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मेरे ब्लॉग का नाम है डिकोड बाइट, तो मैं यहाँ पे डिकोड बाइट लिख लेता हूँ। डॉट इन है, आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहते तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आपने इसके आगे हैश लगा दी तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो आपको अगर इसे वर्क करना है तो आप हैश को हटा दें और उसके बाद आप इसे यहाँ पे फाइल पे जाके करेंगे सेव। सेव करने के बाद फ्रेंड्स इसका मतलब कि अब ये इस नाम के ऊपर भी ओपन होगा और इस नाम के ऊपर भी ओपन होगा। तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो देखो ओपन हो ही रहा है। अगर आपने आगे .com या .in नहीं लगाया तो आप जस्ट जब यहाँ पे डायरेक्टली नाम डालेंगे तो हो सकता है कि ये मे बी, किसी किसी कंप्यूटर के अंदर ऐसा होता है कि ये आपका यहाँ पे लोकल होस्ट का मेन्यू ओपन करने की बजाय ये आपको सीधा आपके गूगल सर्च इंजन के ऊपर ले जाए, तो ये पॉसिबल है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप इसके आगे इस तरह से एक स्लैश लगा दें और फिर एंटर करें और फिर आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको आगे उसका कोई भी आगे .com या .in नहीं मिला। अगर आप वो लगा देते हैं फिर ये आपको स्लैश डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से इसको चला सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है और एक कन्वीनियंट वे है कि अगर आप लोकल होस्ट, इवन अगर आप डेटाबेस को ओपन करते हैं, आपको पता है ये लोकल होस्ट /phpMyAdmin करके आप ओपन करते हैं, इस तरह से आप करते हैं लोकल होस्ट /phpMyAdmin, तो इस तरह से आपका डेटाबेस जो होता है वो आपका ओपन हो जाता है। लेकिन आप अब से इस तरीके से भी आप अपने डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं, उसके लिए phpMyAdmin आगे आपको लगा देना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी ओपन हो रहा है, और अगर यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा क्योंकि हमने उस ऑप्शन को कॉन्फ़िगर कर रखा है। और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अब से जो आपका होस्ट नेम होगा वो आपका ये होगा, क्योंकि अगर आप कोडिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको पता होगा कि एक होस्ट नेम आप यूज़ करते हैं कनेक्टिव फाइल के अंदर या और जगह के अंदर भी। तो उस केस में अब आपका होस्ट नेम ये होगा क्योंकि आपने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। वैसे तो लोकल होस्ट भी चलेगा लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप कंफ्यूज मत होए, अब आपका जो होस्ट नेम है वो ये हो चुका है। तो आप इसे यूज़ करें और यह काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसके साथ अपने कोडिंग और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को चलाएं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पे होता है एंड। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर।
तो दोस्तों अगला टॉपिक भी टेक्निकल टॉपिक है उन लोगों के लिए जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, पीएचपी वेब डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन रिसेंटली मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो इस फील्ड के अंदर हैं, उन्होंने मुझे सेक्शन में बोला है कि आप इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कैसे आप पीएचपी के अंदर एसएमटीपी मेल सेंड कर सकते हैं जीमेल के थ्रू। वैसे तो ये पहले भी सेंड हो जाती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले इसको जब हम यूज़ करते थे तो गूगल के अंदर एक ऑप्शन होती थी यूज़ लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, जो कि इस तरह से थी ऑप्शन, लेकिन वो अब बंद हो चुकी है। और इस वीडियो की डिमांड भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही की थी, क्योंकि पहले जब लेस सिक्योर ऐप्स का एक्सेस हमें मिलता था तो मेल सेंड हो जाती थी, लेकिन अब कुछ देर से गूगल ने इसे डिसेबल कर दिया है। ऑप्शन को हम यूज़ करते थे, इसके थ्रू ही हम मेल को सेंड कर पाते थे, लेकिन अब ये ऑप्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑप्शन 100% बंद हो चुकी है। तो अब आपकी ये जो मेल है वो ऑथेंटिकेट ही नहीं होती, वहाँ पे एरर आता है। तो इस तरह से पहले हम करते होते थे कि यहाँ पे ना साइन इन सिक्योरिटी लेस सिक्योर ऐप्स ऑन होती थी, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होती थी। तो अगर आपको मेल भेजनी है तो आप इसे ऑन कर देते थे और आपकी जो मेल का प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाता था, आप मेल किसी को भी सेंड कर पाते थे। लेकिन अब से क्या होगा कि आप इस ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकते, रीज़न गूगल ने इसे डिसेबल कर दिया है और आप इसे अब यूज़ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो लिखा आ रहा है टू हेल्प कीप योर अकाउंट सिक्योर फ्रॉम May 30, 2022 गूगल नो लॉन्गर सपोर्ट द यूज़ ऑफ थर्ड पार्टी ऐप्स और डिवाइसेस विच आस्क यू टू साइन इन टू गूगल अकाउंट यूजिंग ओनली योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। कहने का मतलब यह है कि वो कहता कि आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए 30 मई से इसी साल गूगल ने इस ऑप्शन को थर्ड पार्टी को एक्सेस देने से मना कर दिया है। अब से पहले क्या होता था, सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड यूज़ करके आप इस ऑप्शन को ऑन करके आप यूज़ कर पाते थे और मेल को सेंड कर पाते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि अब ये ऑप्शन बंद हो चुकी है तो आप इस प्रोसेस के अंदर अब मेल सेंड नहीं कर सकते। तो फिर कौन सा ऐसा तरीका है कि इस ऑप्शन के बगैर भी हम मेल को सेंड कर सकें, वीडियो की सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे और मैं आपको डिटेल्ड स्टेप्स बताऊंगा और मैं आपको कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस कोड को और वहां से आप अपनी अब से मेल को सेंड कर सकते हैं बिना इस ऑप्शन को यूज़ किए। तो इस वीडियो सेगमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस ऑप्शन को बगैर यूज़ किए भी मेल को सेंड कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी आसान तरीके से। और साथ के साथ मैं आपको एक रेडीमेड कोड भी प्रोवाइड करूंगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप उससे मेल को सेंड कर पाएंगे इजीली, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये आपको एक कोड दिखा देता हूँ। पहले इस तरह से एक पीएचपी मेलर करके एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, अब भी है। तो उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते थे कि यूज़र नेम के अंदर यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को डाल देते थे और यहाँ पे अपना जो इस ईमेल आईडी का पासवर्ड हुआ करता था वो पासवर्ड हम डायरेक्टली यहाँ पे डाल देते थे। तो हमारा जो प्रोसेस था वो मेल का वो कंप्लीट हो जाता था। और थर्ड स्टेप हम करते थे वो लेस सिक्योर ऐप्स को ऑन कर देते थे और उससे आपका सारा काम हो जाता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, अब अगर आप उसको ट्राई करते हैं तो आपको एक एरर आएगा कुड नॉट ऑथेंटिकेट गूगल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि गूगल अकाउंट लॉग इन नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ब्राउज़र में जाना है, और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको google.com के अंदर ही जाना होगा। साइन इन करेंगे आप, साइन इन आप किसी भी अकाउंट से कर सकते हैं, जो भी आप जिस अकाउंट से भी आप अपने इस सेटिंग को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे एक अकाउंट को लॉगिन कर दिया,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखी है, जिससे जब भी लॉगिन में करता हूँ, चाहे मैं पासवर्ड भर के भी करूँ, तो मुझे इस तरह से ऑथेंटिकेशन आती है। अगर आप इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल आप अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस ऑप्शन को इनेबल कर सकें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके ऊपर ही मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कैसे आप एक एक चीज़ को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और हैकर से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे अपने अकाउंट मैनेजर गूगल अकाउंट में ही जाना है, और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चाहिए होती है ऐप पासवर्ड। अगर आप अपने अकाउंट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐप पासवर्ड की कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगी। रीज़न उसका यह है कि आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं कर रखी। तो उसके लिए आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे साइन इन टू गूगल अकाउंट का जो सेक्शन है, यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड के बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसके बाद ऐप पासवर्ड की ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। आपको सिर्फ यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन पासवर्ड, ये दो ऑप्शंस ही आपको दिखेंगी। रीज़न, आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू स्टेप वेरिफिकेशन को यहाँ पे ऑन नहीं किया होगा, आपको यहाँ पे आपका ऑफ शो होगा। तो उसको ऑन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप दोबारा से पासवर्ड को लगाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑन कर रखी है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस आ रही हैं। आपको फ़ोन नंबर के साथ यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है, आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल के ऊपर एसएमएस के तौर पे, आपने वो कोड यहाँ पे डालना है, इसको एनेबल करना है, और यहाँ पे ये आपका वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आप एक स्टेप बैक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे दोबारा से आप नीचे जाएंगे तो ऐप पासवर्ड की ऑप्शन आपको शो हो जाएगी, क्योंकि टू स्टेप वेरिफिकेशन आपकी इस मामले में ऑन होनी ज़रूरी है। तो आप जैसे ही इसके ऑन करेंगे तो ऐप पासवर्ड आपका शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से, क्योंकि ये एक सिक्योर अकाउंट है, तो आपको तो हर बार पासवर्ड डालने को बोलेगा, आपको हर बार वेरीफाई करना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड क्रिएट कर रखा है, तो उसी तरह से आपको कैसे पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है, आपके केस में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, खाली आएगा, तो आपको बस यहाँ पे सिलेक्ट ऐप करना है। अगर आप मेल भेजना चाहते हैं तो आप मेल का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप किसके लिए मेल भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे अदर पे लिख के यहाँ पे आप वेबसाइट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसे करेंगे जनरेट। जैसे फ्रेंड्स आप जनरेट करेंगे तो इस तरह से आपको एक पासवर्ड दिख जाएगा, और ये पासवर्ड आपको सिक्योर करके रखना है, और ये ही पासवर्ड आप यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, कॉपी करना है। तो यहाँ से आप ऐसे इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स, ये आपका जो पासवर्ड है ये आपका, तो फ्रेंड्स उसके बाद आपका ये जो पासवर्ड है यहाँ पे सेव हो जाएगा, और उसके बाद आप इसे डन कर दें। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और जब जब ये यूज़ होगा तो यहाँ पे आपका आपको पता भी लगता रहेगा। और अगर किसी पासवर्ड को आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, उसका एक्सेस जहाँ पे भी आपने दे रखा होगा वहाँ से वो रिवोक हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको इतना ही कोड करना है, और अगर इस फाइल की बात करूँ तो इस फाइल के अंदर मैंने ऑलरेडी पूरा कोड रेडीमेड आपको बना के दिया हुआ है। आपने सिर्फ करना क्या है कि यहाँ पे जो यूज़र नेम है वहाँ पे आपकी वही ईमेल आईडी आएगी जो अभी आपने कन्फिगर कर की है, जिसके अंदर आपने पासवर्ड को एनेबल किया है, और उसके बाद जो पासवर्ड उन्होंने आपको बना के दिया वो आप यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद सेट फ्रॉम के अंदर भी आपकी यही ईमेल आईडी आएगी, और यहाँ पे जो भी आप अपना नाम डालना चाहते हैं वो आएगा। उसके बाद आप जिसको भेजना चाहते हैं ईमेल, उसका यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आएगा, और ये इस टाइम स्टैटिक है। अगर आप इसे डायनेमिक करना चाहते हैं तो डायनेमिक के लिए आपको जो आपका कोडिंग का लॉजिक है, तो आप यहाँ पे डायनेमिक ईमेल आईडी लेकर आ सकते हैं, उसके बाद वहीं पर वो सेंड हो जाएगी। बाकी अगर आप यहाँ पे कोई भी मैसेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैसेज चेंज कर सकते हैं मेल का, तो ये सिंगल कोट्स के अंदर आप डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो लॉजिक है वो सारा ऑलरेडी रेडीमेड मैंने सेट किया। अगर मैसेज आपका सेंड हो जाएगा तो यहाँ पे मैसेज हैज़ बिन सेंट आएगा, अगर मैसेज नहीं सेंड होगा तो आपका मैसेज कुड नॉट बी सेंट आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे ट्राई कर
कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि ये रिसेंटली सबको प्रॉब्लम आ रही थी मेल सेंड होनी और एकदम से बंद हो गई हैं, तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको किसी स्टेप के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पे होता है एंड, और अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं वो भी हद से ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। तो उसका कारण सबसे ज़्यादा ये है कि उनको प्रॉपर वेंटिलेशन या उनको प्रॉपर उनका जो कूलिंग सिस्टम है वो प्रॉपर इफेक्टिव नहीं है। जैसे कि हम लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो हम करते हैं वो क्या करते हैं कि लैपटॉप को डायरेक्टली ये जो एरिया होता है, ये जो बॉटम होता है लैपटॉप का, इससे डायरेक्टली हम बेड के ऊपर रख लेते हैं। जो आपको गलती ऐसे कभी नहीं करनी, क्योंकि लैपटॉप को बेड के ऊपर रखने से ये जो इसकी वेंट्स होती हैं, ये जो इसकी हवा एयर वेंट्स होती हैं, हवा जहाँ से निकलती है या आती है वो इसकी बंद हो जाती है। वैसे तो ज़्यादातर इसके अंदर एग्जॉस्ट लगा होता है, यहाँ से ये हवा को बाहर निकालता है, तो इसको हवा को निकलने के लिए स्पेस चाहिए। अगर आप इसको एकदम बॉटम के साथ इंटैक्ट कर देंगे तो आपका एयर फ्लो हो नहीं पाएगा इसका आपकी डिवाइस का, तो जिससे क्या होगा आपका लैपटॉप अंदर के अंदर गर्म होता रहेगा और ओवर हीटिंग की वजह से अंदर के जो पार्ट्स हैं वो मेल्ट भी हो सकते हैं या फिर कोई अंदर इंटरनल इशू भी आ सकता है। और साथ के साथ यहाँ पे भी एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है और यहाँ से भी आपको आमतौर पे ये भी आपको कवर नहीं करना, ये भी आपको एकदम यहाँ से भी इसको स्पेस छोड़नी है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, अगर आप इसे बेड पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फ्लैट सरफेस या कोई आप वुडन आपके पास कोई कोई चीज़ हो, जैसे कि टेबल हो या फिर कोई वुडन का एक पीस हो, उसके ऊपर आप इसे रख सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी आपको इस तरह से नहीं रखना। इसके लिए भी फ्रेंड्स आपको आप किसी इस तरह से, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ये एक डस्टर है, तो आप इस तरह की कोई भी वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, जैसे डायरेक्टली आपको इस तरह से इसको रखना है तो इस तरह से रखने के साथ साथ ना ये आपको थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट करके रखना है। तो उसके लिए आप इसके नीचे कुछ इस तरह से चीज़ रख सकते हैं जिससे ये बिल्कुल ऐसे रहने की बजाय थोड़ा सा ऐसे रहेगा और साइड से काफ़ी एयर फ्लो का गैप बन जाएगा और जिससे आपकी डिवाइस बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी। और साथ के साथ आप जहाँ पे भी इसे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कम से कम फ़ैन चलता होना ज़रूरी है। वैसे तो ऐसी चीज़ों को एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर कूलर जैसी हवा भी आ रही हो, जो ब्लोअर जैसी हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है, उस कंडीशन में भी आपका फेवरेबल रहता है। या फिर अगर रेकमेंडेशन यही है कि आप कुछ इस तरह की स्टैंड आते हैं लैपटॉप के, तो आप उसके ऊपर रखें और वो थोड़े से ऑटोमेटिकली इस तरह से एडजस्टेबल उनकी हाइट होती है, तो ये अंदर से भी वो नीचे से भी उनका एयर वेंट बना होता है, तो अंदर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, आपको इसको टेबल के ऊपर भी डायरेक्ट नहीं रखना, उसके अंदर भी आपको, उसके नीचे भी आपको कोई ना कोई इस तरह से चीज़ रखनी ज़रूरी है और उससे आपका जो लैपटॉप है वो हीट होने से बच जाएगा। और दोस्तों, जो लोग ज़्यादा लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि उनका काम ही लैपटॉप के ऊपर है, जैसे कि उनकी जॉब ही ऐसी कि उनको 8-9 घंटे लैपटॉप के आगे या कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ता है, जिससे जब वो घर जाते हैं तो आमतौर पे हमारे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि बाय प्रोफेशन मेरा भी काम कंप्यूटर लैपटॉप का ही है, तो मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मेरी आँखों का इन चीज़ों के आगे ज़्यादा रहता है। तो घर जाने के बाद ऐसे लगता होता है कि अब कोई भी इवन मोबाइल यूज़ करने की हिम्मत भी नहीं होती इन आँखों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट का एक्सपोजर हमारी आँख के ऊपर होता है। तो ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपनी जॉब चेंज कर लें या फिर आप लैपटॉप बदल दें या कंप्यूटर बदल लें, क्योंकि ये तो चलो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़े से आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, जब भी मैं लैपटॉप को चलाता हूं तो मैं कभी भी लैपटॉप को इस तरह से, स्क्रीन को अपनी आंखों के सामने इस तरह से नहीं बैठता। मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर लेता हूं। कहने का मतलब, अगर मैं सीधा देख रहा हूं ना तो मैं थोड़ा सा इसे टेढ़ा रखूंगा ताकि इसकी जो रेज होती हैं, इसकी जो लाइट की रेज होती हैं वो टेढ़ी होकर निकल जाती हैं और वो डायगनली निकल जाती हैं और मैं सीधा देख रहा हूँ। तो अगर मैं इस तरह से रखूँगा तो जो इसकी लाइट एक्सपोजर होगा सीधा डायरेक्टली मेरी आंखों के अंदर होगा। अब क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया है तो ये इसका जो एक्सपोजर हो जाएगा वो टेढ़ा हो जाएगा और सारी जो लाइट है उसकी रेज साइड पे निकल जाएंगी और आपकी आंखें कम पेन करेंगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर भी
आप क्या कर सकते हैं कि आमतौर पे हम डायरेक्टली मोबाइल को ऐसे चलाते हैं, कोई गेम खेल रहे हैं आप, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उसके अंदर भी रिकमेंडेशन यही है कि आप थोड़ा सा टिल्ट कर लें, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा टिल्ट करना, थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं जिससे उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाए और डायरेक्ट जो एक्सपोजर आंखों के ऊपर होना है वो नहीं होगा। आप इसे ट्राई करें, आप इस मेथड को एक मंथ अपनाएं और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन कौन से अच्छे रिजल्ट्स मिले। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा आंखों के ऊपर ही है। अगर हम ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो घर आने के बाद हमारी आंखें जो होती हैं इतनी ड्राई हो जाती हैं और उसके बाद पेन भी करती हैं और अगले दिन भी हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम दोबारा से ऑफिस जाएं और उस तरह से प्रोसेस को रिपीट करें। एक मंथ के अंदर ऐसा जरूर आता है, 3-4 दिन ऐसे आते हैं जब आपकी आंखें इतनी ड्राई हो जाती हैं कि आप किसी भी स्क्रीन को देखने के लायक नहीं रहते। तो इस सिचुएशन के रिस्पॉन्सिबल भी हम खुद ही हैं, क्योंकि आप कभी भी नोटिस करना, जब भी हम कंप्यूटर को या फिर अपने मोबाइल को या फिर आप किसी बड़ी स्क्रीन को देखते हैं तो इतनी कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, अपनी आईज ब्लिंक करने भूल जाते हैं। हम कॉन्स्टेंटली देखते हैं, आईज ब्लिंक करते नहीं हैं। जब आईज ब्लिंक होती हैं तो होता क्या है कि जो आईज के अंदर वाटर है, जो हाइड्रेशन है, वो आईज को मिलती रहती है, जिससे आईज ड्राई नहीं होती। अब आईज ड्राई नहीं होंगी तो वो प्रॉपरली मूव करेंगी तो सारी उसका जो उसके जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकलती रहेंगी और आपकी आपको पेन नहीं होती। जब आप कॉन्स्टेंटली कंसंट्रेशन के साथ कुछ भी देखते हैं तो आप कभी भी नोटिस करना, आप जब भी गेम खेल रहे हैं या फिर आप कोई मूवी देख रहे हैं या फिर आप मोबाइल के ऊपर कुछ यूट्यूब चला रहे हैं या फिर आप कुछ भी इस तरह से कंप्यूटर के ऊपर देख रहे हैं, तो आप कभी भी नोटिस करना, आप जैसे नॉर्मली आइज को ब्लिंक करते हैं ना, आपकी जो स्पीड होगी आइज ब्लिंक करने की वो कम हो जाएगी। आप अपने आप को देखना, आप कॉन्स्टेंटली देख रहे होंगे और आईज आपकी कम ब्लिंक करेंगी, तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा कॉशियस होके आपको आईज को मैनुअली ज़्यादा ब्लिंक करना है। जितना आप ज़्यादा आईज को ब्लिंक करेंगे आपकी आईज हाइड्रेट रहेंगी तो आपको पेन भी कम होगी और आंखें आपकी बिल्कुल हेल्दी रहेंगी। दोस्तों, अगली प्रॉब्लम आईज स्ट्रेनिंग की ये भी होती है कि हम कई बार हमारे घर में जो LED TVs लगे होते हैं वो हम ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर लगा लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे इस पोजीशन पे बैठना है तो हमें हमेशा LED हमारी आई साइट के लेवल पे ही लगानी चाहिए, लेकिन हम अपने पड़ोस के घर में जाते हैं, हम कहते हैं मेरे पड़ोसी ने इतनी ऊपर लगाई है कि फिर मैं क्यों नीचे लगाऊं, मैं इससे भी ऊपर लगाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, इतनी ऊपर LEDs को चढ़ा लेते हैं, वहीं पे फिट करवा लेते हैं और जब देखने बैठते हैं तो फिर ऐसे करके अनकंफर्टेबल हम उसको देख पाते हैं, जिससे क्या होता है, एक तो आपकी ये जो आपका नेक प्रॉब्लम है ये आपकी बढ़ती है, दूसरा जो आईज का जो एंगल है देखने का वो भी आपका बिगड़ जाता है, तो इससे भी आपकी आईज के ऊपर स्ट्रेन बढ़ता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सीट उनकी बैठने की ऊंची होती है और LED को लगा लेते हैं काफ़ी नीची, तो वो भी एक गलत पोजीशन है। आपको उसको हमेशा आईज के लेवल के बराबर लगाना चाहिए, ना ही आपको उसको ऊपर लगाना है ना ही उसको नीचे लगाना है। उसी तरह से अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपकी जो चेयर है उसकी जो पोजीशन है या आपका जो टेबल है उसकी पोजीशन भी आपको अपने आई लेवल के हिसाब से ही रखनी है। कई बार मैंने क्या देखा, जो चेयर होती है वो काफ़ी नीची होती है और जो टेबल होता है वो ऊंचा होता है, जिससे जो स्क्रीन होती है वो ऊपर लगी होती है, तो हमें ऐसे करके चलाना पड़ता है, तो वो भी आपकी आंखों के लिए सही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है हम सीट इतनी ऊंची कर लेते हैं और टेबल होता है नीचा, तो हम इस तरह से चलाते हैं, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इसलिए आपको किसी के घर जाके उसकी नकल नहीं करनी, आपको एक आइडियल पोजीशन के ऊपर उसको सेट करना है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका LED TV हो या फिर कोई ऐसी स्क्रीन हो जिसको आप रोज व्यू करते हैं, तो आपके आई लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। जिस जगह पे आप पोजीशन होते हैं, जहाँ पे आप बैठते हैं, उसके लेवल पे आपको बहुत सारी व्यूइंग एंगल के हिसाब से आपको लगानी चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए ज़्यादा नीचे होनी चाहिए। और इसी के अंदर एक और चीज़ है कि जब हम कई बार अपने TV को देखते हैं तो TV इस तरह से लगा होता है तो हम इस तरह से देखते हैं, जब इस तरह से देखते हैं हमारे जो आंखों का एंगल है वो खराब हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारी आई साइट वीक हो जाती है। तो उसी तरह मोबाइल भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं लेट के चलाऊं, तो आप उसको ऑटो रोटेशन मोड पे बिल्कुल भी सेट ना करें, क्योंकि अगर वो घूम जाएगा तो उसका व्यूइंग एंगल फिर से बिगड़ जाएगा, तो आपको ऑटो रोटेशन मोड को डिसेबल कर लेना, जिससे क्या होगा, इस तरह से अगर मोबाइल है यहाँ पे कुछ उसका व्यू हो रहा है और अगर आप उसको इस तरह से चला रहे हैं तो आप उसके साथ इस तरह से अगर उसको व्यू करके देख रहे हैं तो आपकी आंखों के अंदर जो उसका एंगल है वो पैरेलली चलेगा। अगर उसका एंगल इस तरह से और आप इस तरह से देख रहे हैं
तो वो भी आपकी आई स्ट्रेनिंग का कारण बन सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लैंकेट के अंदर सर्दियों में क्या करते हैं, अंदर मोबाइल चलाते हैं, उसका जो लाइट का इतना एक्सपोजर होता है आपकी आंखों में पड़ता है। अगर आप लाइट मोड का भी इस्तेमाल करते हैं फिर भी आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। जो लोग लैपटॉप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए रेकमेंडेड ये है कि वो नाइट मोड को ज़्यादातर ऑन रखें, वो दिन में भी ऑन रखें, जिससे आपकी जो ब्लू लाइट है वो आंखों के ऊपर स्ट्रेन पैदा करती है और जो येलो लाइट होती है वो आंखों के ऊपर कम स्ट्रेन पैदा करती है। तो ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है कि आप नाइट मोड को हमेशा इनेबल रखें। तो दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको एक और सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आप गेमिंग करने के दौरान अपने मोबाइल को जो ओवरहीट हो जाता है उसे कैसे आप मिनटों के अंदर ठंडा कर सकते हैं बिना किसी गैजेट के थ्रू। आप घर के अंदर ही एक जुगाड़ के तहत ही इसको ठंडा कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा कैसे आप अपने फ़ोन को ठंडा कर सकते हैं। फ़ोन ओवरहीट होता है और आपको भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किन लोगों को मोबाइल हीटिंग का इशू है? और दोस्तों मैं जानता हूँ ये वीडियो काफ़ी लंबी है, लंबी इसी वजह से है क्योंकि मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं और ये टॉपिक्स वही टॉपिक्स हैं जो सब्सक्राइबर्स की ओर से एज अ सजेशन मुझे डिमांड किए गए थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि अगर मैं एक एक वीडियो बनाता तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मुझे बनानी पड़नी थी। तो उस सारे टॉपिक्स को कंपाइल करके एक ही वीडियो के अंदर मैं बना देता हूँ। तो जो जो टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल है आप उसे देख सकते हैं। और जो वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इस फील्ड को प्रस्यू कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स ही हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। आने वाले टाइम के अंदर मैं काफ़ी DIYs लेके आने वाला हूं आपके लिए, घर के अंदर से ही चीज़ों से कैसे जुगाड़ करके आप अपनी प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस मैं लेके आने वाला हूं। तो मिलते हैं इसी तरह के एक्साइटिंग और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।